प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग मंत्रालयों के बारे में पढ़ रहे थे। भारत सरकार के आपके पाठ्यक्रम में तीन मंत्रालय हैं और इन तीन मंत्रालयों में हम लोगों ने वित्त मंत्रालय का अध्ययन कर लिया है। आज हम गृह मंत्रालय का जो संगठन और कार्य क्या है पाठ्यक्रम के अनुसार उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गृह मंत्रालय जो है उसको आम बोलचाल की भाषा में क्या है, नॉर्थ ब्लॉक भी कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि जो कानून व्यवस्था और पुलिस जो है ये क्या है, राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची में इसकी क्या है, सेकंड एंट्री है, द्वितीय प्रविष्टि के रूप में है। भारत का जो संविधान है जो केंद्र राज्य संबंधों में क्या है, एक आर्टिकल है 355, अनुच्छेद 355 जो है वो कहता है कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक राज्य को क्या है, बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी जो है उससे क्या है, सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी अनुच्छेद के तहत या इसी अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में क्या है, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अब हम इसके संगठन के बारे में देखते हैं। थोड़ा गृह मंत्रालय जो है उसके शीर्ष पद पर कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं जिनको गृह मंत्री कहते हैं, वो इसके प्रमुख होते हैं और ये राजनीतिक प्रमुख होते हैं, ये मानिए गृह मंत्रालय के। और ये मंत्रालय काफ़ी विशाल है, गंभीर है और काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो मतलब यूँ मानिए प्रधानमंत्री के बाद में क्या है, अगर कोई ज़बरदस्त या पावरफुल मंत्री जो हैं वो क्या है, होम मिनिस्ट्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्री के अधीन राज्य मंत्री भी होते हैं और आवश्यकता अनुसार कभी कभी क्या है, उप मंत्री नियुक्त भी कर दिए जाते हैं। गृह मंत्रालय के सभी जो नीतिगत निर्णय होते हैं वो गृह मंत्री द्वारा स्वयं या प्रधानमंत्री या जो सेंट्रल कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसके परामर्श के अनुसार लिए जाते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा, शांति और व्यवस्था से जुड़ा यह मंत्रालय निम्न अर्थात छह विभागों में क्या है, ये विभक्त है। एक है गृह विभाग, दूसरा है जम्मू कश्मीर विभाग, तीसरा है राज्य विभाग, चौथा है आंतरिक सुरक्षा विभाग, पांचवा है सीमा प्रबंधन विभाग और छठा है राजभाषा विभाग। तो ये क्या है, छह विभाग हैं जो गृह मंत्रालय में विभक्त, गृह मंत्रालय को विभाजित किया गया है। इसमें जो गृह विभाग और जम्मू कश्मीर विभाग जो है ये गृह सचिव के अधीन होते हैं, राज्य विभाग विशिष्ट सचिव के अधीन है और ये जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, राजभाषा विभाग है ये क्या है, सचिव के अधीन है। तो ये जो सचिव हैं मंत्रालय के, ये वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं और इनके अधीन विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, विशेषाधिकारी, उप सचिव, ये पोस्ट भी होती हैं। और कार्यों की दृष्टि से आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है वो सबसे बड़ा विभाग है। इसके अधीन लगभग क्या है, 14 जॉइंट सेक्रेटरी और अनेक निदेशक व उप सचिव कार्यरत हैं, जबकि राज्य विभाग, गृह विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, राजभाषा विभाग, जम्मू कश्मीर विभाग, इनमें क्या है, जो अधिकारियों की संख्या है वो तुलनात्मक रूप से कम है। मंत्रालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो गृह सचिव कहलाता है और उसको क्या है, सचिव न्याय का भी क्या है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो इस प्रकार से ये क्या है, छह विभागों में गृह मंत्रालय क्या है, विभक्त है। और इसके अलावा इसमें क्या है, कुछ अलग अलग जो कार्यालय या संगठन या संभाग जो हैं वो भी इसमें हैं, जैसे महारजिस्ट्रार जनगणना है, क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय है, रिपेट्रियर कोऑपरेटिव फाइनेंस है, रिहेबिलेशन प्लांटेशन का है, भारत शत्रु संपदा अभिरक्षक कार्यालय है, राज्य विभाग में मानवाधिकार आयोग है, अंतर्राज्य परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो है, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय है, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय है। तो ये इसके अधीन क्या कुछ
संबंध कार्यालय हैं या निदेशालय हैं, ऐसे आंतरिक सुरक्षा विभाग में CRPF जिसको कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, CISF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, भारत ITBP जिसको बोलते हैं, भारत सीमा तिब्बत सीमा पुलिस है, ये अर्धसैनिक संगठन है, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आसूचना ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, परीक्षक संदिग्ध प्रलेख, ये सब चीज़ें क्या हैं इसके अधीन हैं। इसी प्रकार सीमा प्रबंधन जो विभाग है उसके अंदर BSF या और SSF है, सीमा सशस्त्र सीमा बल, राजभाषा विभाग के अंदर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है, हिंदी शिक्षण योजना है, केंद्रीय राजभाषा क्रियान्वयन समिति, ये जो हैं इसके अधीन हैं। और यदि हम बात करें गृह मंत्रालय के अधीन क्या है, IB भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं, ये विश्व का सबसे पुराना सूचना अभिकरण है और इसकी स्थापना 1887 में अंग्रेज़ों के टाइम में हुई थी ठगी विभाग की एक शाखा के रूप में। और ये क्या है, देश के अंदर जासूसी और जो इंटेलिजेंस जो है उसका कार्य करता है और देश के बाहर भारत से संबंधित जो खुफिया सूचनाएं हैं उसकी जो जानकारी है वो हमारे को क्या है रॉ देता है। उसकी स्थापना क्या है 1968 में हुई थी, रॉ RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ जो है वो देश के बाहर की खुफिया सूचनाएं एकत्रित करता है, IB जो है देश के भीतर की खुफिया सूचनाएं एकत्रित करता है। तो इस प्रकार से रॉ और जो IB है वो भी क्या है हमारे अंडर में इसमें है, ये IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जो है वो अलग है। तो ये संगठन की बात हो गई है, अब इसके पश्चात हम क्या है? इसके मोटे काफ़ी कार्य हैं, इसके बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हम क्या है मुख्य मुख्य कार्यों के बारे में देखते हैं। पहला जो कार्य है वो लिखा है इसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की जो अधिसूचना है नोटिफिकेशन है और राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह जो है उसको क्या है ये आयोजित करता है, यानी नोटिफिकेशन जारी करता है और जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको भी क्या है ये आयोजित करता है। दूसरा है विधायिका जो है संसद जिसको हम कहते हैं, उसमें आचार संहिता है, शांति व्यवस्था जो है उसको ये सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी इसकी है, और मंत्रियों के लिए जो आचार संहिता है आचरण संहिता है वो भी क्या है ये तैयार करवाता है। जो संसद में नॉमिनेट मेंबर हैं जैसे राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य होते हैं और लोकसभा जो है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं, तो इस प्रकार से जो मनोनयन है वो क्या है ये इसके द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 352 और 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों के अंदर, और ये सॉरी क्या कहते हैं मतलब ये राज्य में 356 में लगता है और ये देश में राष्ट्रीय जो आपातकाल है ये भी क्या है गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी कार्रवाई संपन्न की जाती है। प्रधानमंत्री और संघ के यानी केंद्र के जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति है, उनका जो रिमूवल है पद त्याग जो है रिजाइन जो देना है उनकी भी नोटिफिकेशन ये क्या है निकालता है। जन्म और मंत्रियों का जो पंजीकरण है जनगणना जो है उससे संबंधित कार्य भी ये कार्य करता है। अभी अपने 2021 में क्या है भारत की नई जनगणना होगी, उससे पहले क्या है 2011 में हुई थी, हर 10 वर्ष से क्या है जनगणना का कार्य होता है। तो ये जनगणना संबंधी कार्य जो है वो भी क्या है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा जो समाधान की शक्तियाँ हैं उनके जो मामले हैं समाधान से संबंधित उनको भी क्या है ये देखता है। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे जाने वाले जो विधेयक हैं अध्यादेश जो हैं ऑर्डिनेंस जो हैं विनियम जो हैं उन पर भी क्या है ये कार्रवाई करता है गृह मंत्रालय। राष्ट्रपति के नाम से कागज जो हैं पत्र जो हैं उनका जो ऑथेंटिकेशन जो है उससे संबंधित जो नियम है वो भी क्या है गृह मंत्रालय तैयार करता है। महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा है, आपने सुना होगा Z+ श्रेणी की सुरक्षा, Z श्रेणी की सुरक्षा, Y श्रेणी की सुरक्षा, तो ये जो सुरक्षा की कैटेगरियाँ हैं वो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं उनको मिलती है, तो वो जो सुरक्षा है ये गृह मंत्रालय देता है और उनकी मान लो मृत्यु हो जाए तो अन्य आवश्यक जो कार्रवाइयाँ हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वो भी ये गृह मंत्रालय करता है। विभिन्न क्षेत्रों में
पुरस्कार सम्मान अलंकरण जो हैं, सुविधाएं हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वीरता पुरस्कार जो हैं, स्वर्य चक्र है, वीर चक्र है, परम वीर चक्र है, जो ये इस प्रकार से महावीर चक्र हैं, जो ये वीरता से संबंधित पुरस्कार हैं, जीवन रक्षा जो पदक हैं, ये सब क्या है, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में है राज्यपालों की जो नियुक्ति है, उनका पद का त्याग करना है, रिजाइन देना है, उनको रिमूव हटाने की जो है मामले, ये सब भी क्या है, गृह मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। इसके पश्चात राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के जो वेतन भत्ते हैं, उनकी जो विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेज जिनको कहते हैं, उनकी एब्सेंस में जो भी कोई अधिकार जिनको दिए जाएंगे वो मामले देखते हैं। संघ के मंत्रियों के वेतन भत्ते संबंधी मामलों को भी ये क्या है, देखता है। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए क्या है, गृह मंत्रालय प्रयास करता है। भौगोलिक नाम जो हैं उनके परिवर्तन की भी क्या है, स्वीकृति देता है। जैसे पहले कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता बोलते हैं। जैसे पहले बम्बई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं। जैसे पहले मद्रास बोलते थे, अब चेन्नई बोलते हैं। तो ये जो भौगोलिक नाम जो हैं उनके नामों में भी ये चेंजिंग के लिए क्या स्वीकृति देता है। राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा और व्यवस्था जो है उसको भी क्या है, सुनिश्चित करता है। आतंकवाद है, अलगाववाद है, घुसपैठ है, अशांति है, विद्रोह है, उस पर भी क्या नियंत्रण पाने का जो कार्य है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इंटरपोल जो है, इंटरनेशनल पुलिस जो कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस जो संगठन है, उससे भी क्या है ये संपर्क में रहता है, समन्वय बनाए रखता है। इसके पश्चात केंद्र राज्य जो संबंध हैं उनमें के सुधार करने के प्रयास करता है। उनमें जो बाधाएं आ रही है संबंधों में उनको भी क्या है, दूर करने का प्रयास करता है। अंतर्राज्य परिषद जो हैं उसमें भी क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय परिषदें बनी हुई है आगे, और राष्ट्रीय एकता परिषद भी है। तो और अन्य जो परामर्शदात्री समितियां हैं उनको क्या है, प्रशासनिक सहायता मंत्रालय उपलब्ध कराता है। नए राज्यों का निर्माण है, उनके क्षेत्रों में जो परिवर्तन है, नाम में परिवर्तन है, इससे संबंधित जो कोई और कार्य हैं, राज्यों का पुनर्गठन जो है उससे संबंधित जो कानून है उसको क्या है ये क्रियान्वित करता है। राज्यों से संबंधित मामलों में जो जांच आयोग गठित हैं उनको भी ये गठित करता है और उनको सहायता देता है। राज्यों में शांति व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन, सहायता और समन्वय भी ये प्रदान करता है। तो इस प्रकार से क्या है ये गृह मंत्रालय के कार्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।